इस कारण कोरोना के बाद कई लोग संक्रमण को छिपाने लगे। उनको लगा कि ये तो बताना नहीं चाहिए, कुछ समाज में मैं कट जाऊंगा। अब उसमें से भी हम धीरे धीरे समझे, लोग बाहर आए, तीसरा चरण शुरू हुआ और तीसरे चरण में लोग काफी हद तक संभलने लगे, अब संक्रमण को स्वीकारने के लगे और अनाउंस भी करने लगे, भाई मुझे तकलीफ है, मैं आइसोलेट कर रहा हूं, मैं क्वारंटाइन कर रहा हूं, आप भी करिए। जो एक प्रकार से लोग भी अपने आप लोगों को समझाने लगे। लेकिन आपने भी देखा होगा कि लोगों में अधिक गंभीरता भी आने लगी और हमने देखा कि लोग अलर्ट भी होने लगे। और इस तीसरे चरण के बाद हम चौथे चरण में पहुंचे, जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है। और इसलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश देकर के सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है।